श्रीराम जय जय श्रीराम जय श्रीराम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की, सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, है सुफल दायिनी रामायण सुखधाम की, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जनकनंदिनी, रघुनंदन ने आपको पालकी से उतरकर उनके पास चलकर आने का आदेश दिया है। मुस्कान सजी पलकों से सागर बांध रही, दुविधा किस भ्रम से ग्रस्त राम खड़े क्यों मौन तटस्थ। सौमित्र, मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। मेरे लिए अग्नि का प्रबंध करो।
जय श्री राम। सीता मैया की, सीता मैया की। हे सृष्टि, आज मेरे क्रोध का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था, मैंने उस कलंक को और कलंक लगाने वाले उस शत्रु को नष्ट कर दिया। मैंने अपने पराक्रम से अपने परिश्रम को सफल कर दिखाया और इस समय अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके उसके भार से मुक्त हो गया हूं। सीते, जब तुम आश्रम में अकेली थी, वो रावण तुम्हें हर ले गया और उसका दोषी मुझे ठहराया गया था। उस दोष का भी अपने पुरुषार्थ से मैंने मार्जन कर दिया। हनुमान का समुद्र लांघकर लंका का विध्वंस करना भी आज सफल हो गया। सेना सहित महाराज सुग्रीव का परिश्रम भी सार्थक हो गया है। महाराज विभीषण अपने कुकर्मी भाई रावण को त्याग कर स्वयं मेरे पास उपस्थित हुए, उनका परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य होता है, वो सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूरा कर दिया। सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे कलंक को मिटाने के लिए यह सब मैंने किया। अथा जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता है, वो सिद्ध हो गया। हमारा कुल अब कलंक रहित है। बस इतना ही? आपने तो सब कुछ कहा प्रभु, परंतु अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कहा। इन सब के सामने आप यही कहना चाहते थे कि आपने अपनी पत्नी के लिए दुष्ट रावण से युद्ध नहीं किया। क्योंकि मैं आपके शत्रु की बंदी थी, इसीलिए आपकी दृष्टि में मैं आपके योग्य नहीं रही। मुझे कोई वेदना है तो इस बात की है कि आपने मेरी विवशता पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं इतने दिनों आपसे दूर, आपसे अलग रहकर कितना तड़पी हूं, कितना रोई हूं, ये सब सोचा ही नहीं आप। लंका में मुझे देखने के लिए आपने जब महावीर हनुमान को भेजा था, उसी समय आपने मेरा त्याग क्यों नहीं कर दिया? हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुन लेती तो उसी समय हनुमान के सामने मैंने अपने प्राण त्याग दिए होते। अपने पिता के दिए हुए वचन का पालन करने वाले रघुनंदन राम अपनी पत्नी को दिए हुए सारे वचन भूल गया।
मैं आपको प्रिय नहीं रही। अपनी सीता पर संदेह कर रहे हैं आप? सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता राजा जनक के यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण मुझे जानकी पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति राजा जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई। मैं दिव्य हूं, मेरा आचार विचार भी अलौकिक एवं दिव्य है। मुझ में चारित्रिक बल विद्यमान है, परंतु आपने मेरी इन विशेषताओं को कोई महत्व नहीं दिया। आप मेरी आत्मा है रघुनंदन, परंतु जब आत्मा ही शरीर पर लांछन लगाए तो फिर इस शरीर को धारण करना ही व्यर्थ है। और जीवित नहीं रहना चाहती, ये अपवाद और मैं सहन नहीं कर सकती। सुमित्रा नंदन, मेरे कारण मेरे पति को लोक अपवाद का सामना करना पड़े, मैं ऐसी मानसिक पीड़ा अपने पति को नहीं दे सकती। मेरे कारण कोई मेरे पति पर उंगली उठाए, मेरे कारण मेरे पति का सिर किसी के सामने झुके, ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। सौमित्र, मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। मेरे लिए अग्नि का प्रबंध करो। देवर जी, मेरी आज्ञा का पालन हो। यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी रघुनंदन श्री राम से दूर नहीं हुआ है तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव सब ओर से मेरी रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी रघुनंदन श्री राम मुझे दूषित समझते हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूं तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव सब ओर से मेरी रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया से
कभी भी रघुनंदन श्री राम का अतिक्रमण ना किया हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव सब ओर से मेरी रक्षा करे। यदि भगवान सूर्य चंद्र दिन रात वायु दिशाएं दोनों संध्याएं पृथ्वी देवी और अन्य देवता मुझे शुद्ध चरित्र युग समझते हो तो हे संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव सब ओर से मेरी रक्षा करे।
आयुष्मान भव। श्री राम, मैं आपकी सीता वापस लौटाने आया हूं, जिसने सदैव आपके लिए आराधना की है। यह शुद्ध है, निष्पाप है। भगवान, लोगों में सीता की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता की यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी। सीता तीनों लोकों में परम पवित्र है। मैं सीता को नहीं छोड़ सकता। आप सभी मेरे हितेशी हैं। मैं जनक नंदनी सीता को स्वीकार करता हूं। यशस्वी भव। अग्निदेव इस सत्य का देकर गए प्रमाण, लंका में रह कर सिया पावन कमल समान। ओ यद्यपि सिया धर्म गुणशीला, तद्यपि राम की और ही लीला। व्यर्थ न होवे लोक अपवाद, इसलिए प्रभु बोले दुर्वाद। सीते, जो कुछ भी वनवास में बीता है उसमें विधि का हाथ है। उसने हमसे सब कुछ करवाया। मैं भी निमित्त मात्र था और तुम भी। मैं सत्य कह रहा हूं ना? हे प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण हैं। आपसे परे कोई सत्य तत्व नहीं है। रामावतार लेकर आपने जो पृथ्वी पर लीला रची है उस रहस्य का उद्घाटन करें तो। भगवान, वैसे तो हर प्राणी भगवान का ही रूप होता है, परंतु मैं दशरथ पुत्र राम एक मानव और अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हुए बिना लाभ हानि अथवा जीवन मरण की चिंता किए अपना कर्तव्य कर रहा हूं। जय श्री राम। कल देखिए। रावण ब्राह्मण कुल का अवश्य था, उसका वध करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा, परंतु फिर भी तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। तो आज बड़ा शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अगर शिवलिंग की स्थापना कर दो तो तुम्हारे सारे दोषों का निवारण हो जाएगा, परंतु समय बहुत कम है राम। इसी वक्त कब कम आएगा?